कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और बस रात में नींद बढ़िया थी। और हमारे साथ है हमारे शुभम भाई साइड में। इंटरव्यू था, पहले इन हो गए, फिर उन्होंने बोला तो ये आउट हो गए। अब इन्होंने एग्जिट कर लिया है, अब वो इन्हें अंदर नहीं ले रहे हैं। पता नहीं किसका काम है, मुझे नहीं लगता इनका एक्सेप्ट हो, क्योंकि वेटिंग बहुत लंबी थी। हो सकता है हो जाए। सो ई जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। आज थोड़ा ऑफिस जाना है, कुछ काम है, और इसके अलावा अभी एक यहाँ पे बिस्किट की कंपनी है, वहाँ जाना है कुछ देखने की फ्रेंड के साथ। अगर अच्छे होंगे तो बिस्किट्स वगैरह लेके आने हैं, तो बस चलते हैं। और ये हमारे शिवम भाई अभी तक पड़े हुए हैं, इनका कुछ उठने का मन नहीं हो रहा है। देखिए, ही जस्ट वेटिंग फॉर द एक्सेप्टेंस बिकॉज जैन पैक्ट नॉट एक्सेप्ट देयर, स्टिल वेटिंग। ये देख सकते हैं आप, आराम से कमल में पड़े हुए हैं, ऐसे इंटरव्यू होते हैं इन लोगों के। तो हम लोग तो अपना काम करने चलते हैं, जस्ट अभी निकलते हैं। शिवम और काजल हम लोगों को वहाँ मिलने वाले हैं, सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन, तो वहीं पे चल के मिलते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं टेम्पो स्टैंड। शिवम के रूम से जो है टेम्पो स्टैंड लगभग 1-2 मीटर दूर है, तो वहीं जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम टेम्पो लेंगे सेक्टर 59 के लिए, जहाँ हमें शिवम और काजल मिलने वाले हैं। सामने आपको टेम्पो दिख रही होंगी, वहाँ पे बहुत सारी टेम्पो इकट्ठी हैं, तो वहीं जाना है हम लोगों को, वहाँ से ही हमें मिलेगी टेम्पो। हाँ, मैं आ गया हूँ सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन। तो ये लोग आ चुके हैं, मीट शिवम एंड मीट काजल। हेलो, हाय, चलो हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ हम आ गए बिस्किट की फैक्ट्री में। देखिए सामने शिवम और काजल अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे बिस्किट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। ये मैं अपने आपको शीशे में देख रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी सारे बिस्किट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करके निकले हुए हैं। अंदर गए थे तो काफ़ी सारे बिस्किट्स वगैरह थे, काफ़ी चीप प्राइस पे थे, तो मैंने तो कम ही लिए हैं थोड़े से। बकाया शिवम हमारे भाई ने काफ़ी सारे ले लिए हैं घर के लिए भी, और काजल ने भी काफ़ी सारी चॉइस की हुई है। देखो ये दूर खड़ी हुई है। बिस्किट काफ़ी अच्छे थे। हाँ, बिस्किट काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि अंदर जो उनकी कलेक्शन था ना, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। पता है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोगों का प्लान था 12 बजे का, तो फिर इन्होंने भाई साहब ने रास्ते में बोल दिया कि नहीं यार थोड़ा भी निकल रहा हूँ, तो मैं और डिले हो गया। तो हम लोग पहुँचे थे फिर 1 बजे, मिले हम लोग, आपको दिखाया था पहले, इसके पहले जब मिले थे। तो फिर इसके बाद अभी गए, तो हम निकल रहे हैं। आपको पहले बोला कि ऑफिस में कुछ काम है, तो ऑफिस में भी कुछ काम निपटाना है, अभी जाऊँगा वहाँ पर मैनेजर वगैरह से मिलना है। चलो चलते हैं ऑफिस में। हाँ, तो शिवम भाई रेडी है हमारे ऑफिस जाने, करते हैं ऑफिस में। चलिए चलते हैं फिर। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद बस घर निकलने के लिए रेडी हो जाता हूँ, और अपने जो मेरा होम टाउन है उरई, वहाँ के लिए निकल आता हूँ। वहाँ मेरी ट्रेन होती है 8 बजे, मैं अपनी ट्रेन अपने टाइम पर पकड़ लेता हूँ और बस घर ही जा रहा हूँ। रात के हो रहे 1:15 और अभी मैं कानपुर पहुँचने का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 2:15 और मैं अभी कानपुर सेंट्रल आया हूँ। जस्ट अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेरी उरई के लिए गाड़ी आने वाली है। मैंने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी 8 बजे कानपुर सेंट्रल से, और 2:15 पे मैं कानपुर सेंट्रल आया हूँ, और अभी हम जाने वाले हैं उरई मेरे अपने घर। भाई दावे दोस्तों, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि सामने गंगल जी बैठे थे, बगल में भैया बैठे थे, उन्होंने मूवी मुझे शेयर की, द रियल लीडर साउथ की मूवी थी, तो उन्होंने मुझे साथ शेयर भी की, और मैंने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, कॉमेडियन मूवी थी, तो काफ़ी जर्नी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा 3 घंटे तो मूवी देखने में निकल गया। इसके अलावा भैया थे मेरे साथ, तो बगल में बैठे थे, सामने झाझा बैठे थे, तो उनके साथ लूडो वगैरह खेलता रहा, तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अभी देखते हैं कि कानपुर से उरई की जर्नी कैसी रहती, क्योंकि वो काफ़ी बेकार रहती है मूवी। चलिए मिलते हैं आपसे उरई स्टेशन पे, जब तक पहुँचते हैं फिर। ये है हमारा छोटा सा कानपुर सेंट्रल,
वैसे इसके बारे में काफ़ी फैक्ट है कि सेंट्रल क्या होता है। वैसे बोलते हैं जैसे कि जो सेंट्रल होता है केंद्र, मतलब यहाँ से आपको भारत के किसी भी कोने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, इसी को बोलते हैं कानपुर सेंट्रल। मतलब यहाँ से आपको किसी भी हिस्से के लिए ट्रेन मिल जाएगी, आपको दक्षिण जाना है, उत्तर जाना है, वैसे उत्तर में तो बैठा ही हूँ मैं, पूरब जाना है, कहीं भी जाना है, मतलब दिल्ली, कल तमिलनाडु, केरल, कहीं जाना है, आपको यहाँ से ट्रेन आपको मिल जाती है गुजरात वगैरह के लिए। सर्दी ज़्यादा हो रही, काफ़ी ठंड लग रही है मुझे। एक तो रात के जो 2 से ऊपर का समय हो गया है, लगभग 2:30 होने वाले होंगे, तो समय भी बहुत हो गया है, तो इस टाइम ठंड बहुत पड़ती है, तो काफ़ी ठंड लग रही है। बस बैठा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 5:30। दोस्तों अभी मैं अपने जस्ट उरई रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ 5:30 बजे के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी मैं अपने घर आ गया हूँ दोस्तों। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है।